नमस्कार दोस्तों, द नगरी न्यूज के ऑटोगिरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी की जिसको लेकर शायद चर्चा है पूरे देश में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की थार जो इलेक्ट्रिक वर्जन में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। देखिए, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी जो है ऑफ रोडिंग का मजा मिल सकेगा। महिंद्रा ने अपनी जो थार का इलेक्ट्रिक वर्जन है वो लॉन्च किया है। हालांकि यह एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर इसे लॉन्च किया जा सकता है। इस ऑफ रोडर जो इलेक्ट्रिक एसयूवी को है, दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। थार के इलेक्ट्रिक जो अवतार है, इसमें काफी कुछ नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने ग्लोबल मार्केट में जो विजन थार डॉट ई के नाम से इस गाड़ी को पेश किया है। थार डॉट ईवी महिंद्रा के पॉपुलर एसयूवी थार का बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक प्रारूप है। कंपनी का बयान है कि थार का जो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक वर्जन है, ये लोगों को काफी पसंद आएगा और इसमें जो है काफी हाई परफॉर्मेंस मोटर और एक बड़ा बैटरी पैक भी जो है मिल सकता है। महिंद्रा का कहना है कि थार डॉट ई की कीमत जल्द ही मार्केट में लॉन्च, जैसे ही इसको लॉन्च किया जाएगा वैसे ही इसकी जो कीमत है इस पे से भी पर्दा उठा दिया जाएगा। थार के प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये एक अच्छी बैटरी क्षमता के साथ जरूर आएगी और इसमें ये भी कोशिश की जा रही है कि कम से कम और हल्का इसे यहाँ पर बनाया जाए ताकि इसकी अच्छी रेंज और इसको अच्छा ट्यून मिल सके। थार इलेक्ट्रिक में आपको कहीं ना कहीं से जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक बार फिर आपको निराश नहीं करेगा। देखिए, जो मौजूदा थार का जो पेट्रोल डीजल का वेरिएंट है उसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है और अगर थार डॉट ईवी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट एसयूवी की बात करें तो इसमें लगभग 2776 मिमी और 2976 मिमी के बीच व्हील बेस रखा गया है और ये काफी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस में होने वाली है। यानी ऑफ रोडिंग करते वक्त आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी कहीं नीचे से टच होगी या नहीं होगी। तो काफी अच्छा जो व्हील वेल जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो रेट्रो स्टाइल वाली स्टांस के साथ चौकोर फ्रंट दिया गया है, एक आयताकार ग्रिल है और हमर की तरह एक न्यू डिजाइन बम्पर जो है वो डिजाइन यहाँ पर किया गया है। देखिए, कुछ थोड़ा थोड़ा देखने में ये जो हमर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उससे कहीं ना कहीं जो मेल खाती हुई है वो दिखाई देगी। एक छोटा जो विंडशील्ड है वो भी इसके अंदर दिया गया है। बेसिकली कुल मिलाकर जो ऑफ रोड को जो पसंद करते हैं उनको ध्यान में रखकर इस गाड़ी को बनाया गया है। जो LED DRL है वो गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। एक फ्लैट रूफ है, एक साइड प्रोफाइल है, जो इसके टायर है, जो इसके अलॉयज है उसको एक अलग ही लुक देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ कंपनी ने LED टेल लैंप्स और एक ब्लैकआउट प्रोफाइल रियर टेलेंट इंटीग्रेटेड व्हील भी दिया है, जिसके कारण ये गाड़ी काफी कुछ पीछे से भी जो है बहुत ही अलग यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि इस गाड़ी में कितने किलोवाट की बैटरी होगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी है वो सामने नहीं आई है, लेकिन महिंद्रा थार का कहना है कि इसके अंदर एक सामान्य रियर पावर ट्रेन बैटरी कॉन्फ़िगरेशन शेयर के साथ इसे सड़कों पर महिंद्रा उतारेगी। महिंद्रा चीन की एक दिग्गज कार कंपनी है BYD, उसके साथ उसमें जो बैटरी पैक यूज होता है। देखिए, BYD एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है, तो उसमें जो ब्लेड तकनीकी है, उनकी जो नई तकनीकी है बैटरी की, वो यहाँ पर यूज ले सकती है, जिसमें जो प्रिज्मेटिक सेल होते हैं और इसको एक ब्लेड प्लेटफॉर्म यानी BYD में ब्लेड जो बैटरीज है वो यूज में ली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इससे रेंज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी मिल सकेगी। ये गाड़ी बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं कि 4-व्हील ड्राइव में ये गाड़ी आ सकती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो चारों टायर के अंदर पावर होगा और हर एक्सल पर ड्यूल मोटर लग सकती है इसके अंदर, क्योंकि इसके बाद ही इसके चारों टायरों को यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल सकेगी। इसके अलावा केपटाउन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग जो गाड़ियां हैं SUV इलेक्ट्रिक, अब महिंद्रा लगातार जो है SUV जो मार्केट है उसकी तरफ पकड़ बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि अब जो कंपनी है इलेक्ट्रिक SUV में XUV.E8, XUV.E9, BE.0
O5 और BE.07 को लॉन्च करने वाली है। इससे पहले महिंद्रा SUV.E8 मार्केट में आएगी, जो हाल ही में जो SUV700 का जो पेट्रोल डीजल है उसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। यह इलेक्ट्रिक कार दिसंबर 2024 तक भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल द नगरी न्यूज में इतना ही। तमाम तरह की जो रोचक खबरें हैं, इस तरह की जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।